नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपने सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर दिल की ओपन स्टेज। दिल की ओपन स्टेज में आपसे दिल की बातें होती हैं और आज मैं भी एक नया उन्वान लेकर आई हूँ। और आज जो टॉपिक लेकर मैं आई हूँ वो हमारे जो दर्शक हैं उनकी फरमाइश पर है। दोस्तों, आप सभी निरंतर जो हमारे दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, आप सभी जानते हैं कि दिल की ओपन स्टेज का क्या फॉर्मेट है, क्या पूरा कार्यक्रम किस तरह से चलता है। लेकिन जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दिल की ओपन स्टेज में गीत होते हैं, बेहतरीन गीत होते हैं और हर दौर के गीत होते हैं। और आपकी कॉल्स आती हैं, आपसे हम बात करते हैं और थोड़ी शायरी भी होती है और उन्वान रहता है किसी एक टॉपिक पर। आज का कार्यक्रम रहता है कि जब हम दिल के ओपन स्टेज में कार्यक्रम रखते हैं तो किसी एक टॉपिक पर हम रखते हैं। और शुक्रवार की शाम को आपके फरमाइशी गीतों का दिन होता है। तो ये हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। जो नए दर्शक हैं, और दर्शक तो मुझे लगता नहीं कि कोई नए हैं, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो निरंतर दर्शक हैं कई कॉल कर लेते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं कॉल करके कहते हैं कि हम प्रोग्राम तो काफ़ी समय से देख रहे हैं लेकिन कॉल पहली बार किया है। तो हम ये भी नहीं मान सकते कि हमारे दर्शक बिल्कुल नए हैं। वो अंदाज से, आवाज़ से, कार्यक्रम की रूपरेखा से बखूबी वाकिफ़ हैं। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वो मंजीत कौर मैडम की तरफ से हमें आदेश हुआ है हमें कि भाई आवाज़ के ऊपर कोई कार्यक्रम लेकर आइए। तो आज का टॉपिक है आवाज़। आवाज़ क्या है आप जानते हैं ना? देखिए, आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं, हमारा चेहरा देखते हैं, और हम है ना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आवाज़ से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कौन साहब बात कर रहे हैं, कौन मैडम बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ों से हम आपको पहचानते हैं। आवाज़ों का भी अपना महत्व है। आवाज़ें कई तरह की होती हैं। डरावनी आवाज़ें, प्यार भरी आवाज़ें, एहसास की आवाज़ें, गुस्से की आवाज़ें। तो आवाज़ों का भी अपना प्रारूप है। कितनी ही आवाज़ें होती हैं। कुछ आवाज़ें होती हैं कानों में मिश्री घोलती हैं, कुछ कर्कश आवाज़ें होती हैं जो गुस्सा दिलाती हैं, और मासूम बच्चे की किलकारियों की आवाज़ें, अपने बड़ों के आशीर्वाद देते हुए शब्द की आवाज़ें हमारे पूरे शरीर का ओरा बदल देती है। तो आवाज़ों का भी अपना अपना मूड होता है कि कौन किस मूड से हमें आवाज़ लगा रहे हैं। हमें तभी पता चल जाता है कि देखा गुस्से में बात कर रहे हैं, कितने प्यार से बात कर रहे हैं, हाय कितने आराम से बात कर रहे हैं, कितना जल्दी बात कर रहे हैं। तो हम आवाज़ों को पसंद करते हैं। और आवाज़ की ख़ास बात ये है दोस्तों कि जो आवाज़ लगा रहा है ना, वो लगा तो अपने गले से रहा है लेकिन वो दूसरे के लिए आवाज़ लग रहा है, दूसरे के कानों में वो आवाज़ जाएगी। तो हम जो बोलते हैं वो हम अपने लिए नहीं बोलते, हमें खुद के लिए बोलने की क्या ज़रूरत है। हम दूसरों के लिए बोलते हैं, और जब हम दूसरों के लिए बोलते हैं तो हमें वही बोलना चाहिए जो कानों में मिश्री खोले, जो रिश्तों को मजबूत करे, जो प्यार की ठंडक दे, जो दिल को राहत दे, एहसास दे, खुशबू दे, तन मन को महका दे। क्योंकि कानों से सुनने वाली ध्वनि जो है वो मन को बहुत ज़्यादा आनंददायक होती है। और सिलसिला शायरी का भी होगा, सिलसिला बातों का भी है, गीतों का भी, आपसे बात भी करेंगे। कॉलर हमारे जुड़ने लगे हैं, और लेकिन हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत इस शेर के साथ कि मैं लम्हा लम्हा इसी इंतज़ार में रही, मैं लम्हा लम्हा इसी इंतज़ार में रही कि तुम आवाज़ लगाओगे मुझे। आवाज़ की बात है और हमारे दर्शक, हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। ज़रा सुनते हैं उनकी आवाज़ें। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? जी जी मनीषा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ सुन के तो हमारा दिन बन गया। That is so sweet, darling. Yeah, seriously. अच्छा, I love आज that. हमारी yes. रिक्वेस्ट है hmm. आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। मूवी इज प्रोफेसर। प्रोफेसर, हाँ जी जी जी, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, बुला लो। यस, नहीं नहीं, बुलाओ, खाली बुलाओ। अच्छा, हाँ जी, ये शम्मी कपूर, शम्मी कपूर की फिल्म।
शमी कपूर और कल्पना कार्तिक की है। जी जी हम जल्दी ही आपकी आवाज पे बुलाते हैं। ओह थैंक यू थैंक यू। जी मनीषा जी जी थैंक यू बाय बाय जी। दोस्तों हमारे एक कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा जरा सी आवाजें सुन लेते हैं। हेलो 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 नमस्ते उर्मिल जी। जी मंजीत मैम नमस्कार। हाँ जी बस कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैंने आपके हुक्म की तामील की, आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं आवाज़ के ऊपर टॉपिक लेकर आऊँ और मैं आवाज़ ले आई हूँ आपके लिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अच्छा लगा था ये टॉपिक, तो मैंने कहा चलो ये देखती हूँ ट्राई करके। जी और हमारे इतना प्यार करने वाले दर्शक जब हमें कहें तो हमें और भी अच्छा लगता है कि उन्वान कभी कभी आप भी दे दिया करें, क्योंकि जी थैंक यू थैंक यू। वही मैं सोच रही थी, मैंने बोला आप ही थक जाते होगे सोच सोच कर कि अभी कितने दें और तो होता है कि बिल्कुल ये आपने हमारी नब्ज पकड़ ली। हम ना सोचते हैं, वाकई सोचते हैं कि कल कार्यक्रम करना है दिल के ओपन स्टेज, क्या टॉपिक होना चाहिए, कौन सा लें। कभी कभी हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, यार कोई टॉपिक बताओ क्या लिया जाए, और जब आप ही बताएं तो फिर बात ही क्या है ना। थैंक यू जी और उम्मीद है आपको गीत बहुत अच्छे लगे के आज के। जी बहुत अच्छे लगे दोनों गीत जो सुनाए हैं आप जी, तो बाकी भी कतार में है, सारी आवाजें कतार में है। जी 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 ठीक है। सभी कॉल आ रही है अभी आपको है? हाँ जी क्या क्या सभी की कॉल्स आना शुरू हो गई? हाँ सभी की कॉल्स आ रही हैं, सबसे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से हमें आवाज़ लगाते हैं हमारे दर्शक, तो हमें सबको सुनना है तो बेहद शुक्रिया बेहद शुक्रिया। जी जी ओके जी कुछ कह रहे थे आप, दिल की दिल में मत रखिए। मैं इस आवाज के बारे में कह रही थी, मैंने बोला इस आवाज तो जो है वो भगवान की बहुत बड़ी देन है। यस ये अपने हाथ में नहीं है, तराशा जा सकता है, लेकिन जो पीछे से आवाज है आवाज तो वही रहती है जो भगवान ने गले में कॉर्ड जो है फिट कर दिया। जी और बच्चा भी पैदा होता है तो देखो डॉक्टर कैसे उसको थपथपाता है ताकि जब जब तक वो रोए ना उसको रुला कर, तभी उसको लगता है कि इसमें जान है। सही बात है बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल, और पशु पक्षी सभी हैं उनकी अपनी अपनी आवाजें हैं, और इंसान तो एक दूसरे की आवाज को पहचान लेता है। पशु पक्षी मेरे को लगता है एक दूसरे पहचानते हैं, सारे पशु पक्षी भगवान ने आवाजें महसूस करने का हुनर हर एक प्रजाति को दिया है। जी जी बिल्कुल। तो चलो आप अभी अपना, मैं आपको अपनी फरमाइश दे दूं? जी जी दीजिए। हाँ जी मेरा साया का जो गाना है ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। जी मैम बिल्कुल जी बेहद शुक्रिया। ओके थैंक यू जी। तो दोस्तों हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, सैयद साहब भी हैं। हेलो हेलो हेलो, चलो सैयद साहब हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो हम बात करते हैं। हेलो हेलो नमस्कार। जी जी फिलोमिना जी कैसे हैं आप? जी हाँ बस ठीक है, आज का उन्मान आवाज है जी, तो भी आपकी आवाज हमने सुन ली जी। और हम तो आपको देखते हैं, आप हमारी आवाज सुनते हैं जी, और आवाज से तो भाई ये सारी टेक्नोलॉजी चल रही है। सही बात बिल्कुल सही बात है। और पहले तो ये हमारा आकाशवाणी जो था वो तो आवाज पे ही चलता था। सही बात है। अभी तो दूरदर्शन राइट, अभी तो टीवी हम दूर से देख सकते हैं। सही बात बिल्कुल सही बात जी सही बात। हाँ जी। और आज भी चीज़ हाँ। के आप कोई फरमाइश बताना चाहे कोई फरमाइश? फरमाइश का गाना हाँ वो मेरे सनम मूवी का गाना है, विश्वजीत और वहीदा रहमान पे, पुकारता चला हूँ मैं राइट। जी ठीक है बिल्कुल 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 फिलोमिना जी जी बेहद शुक्रिया। और हमारे कॉलर हैं, एक और कॉलर हैं, जरा उनकी भी सुन लेते हैं। हेलो हेलो हाँ जी सकीना मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारा टॉपिक, हमारा उन्वान है आवाज, तो आपकी आवाज हम ठीक से सुन पा रहे हैं, कोई फरमाइश है आपकी? कोई फरमाइश का वो गाना है आवाज दो कहाँ हो,
आवाज दो दुनिया मेरी जहाँ हो। जी जी बिल्कुल, हमने नोट कर लिया आपकी फरमाइश और जल्द लेकर आएंगे आपके दिल की आवाज को। ओके जी, बेहद शुक्रिया। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है आवाज़। आवाज़ का क्या महत्व है, आवाज़ क्या है, सब जानते हैं क्योंकि सबके पास है आवाज़ें। और हमारे कॉलर हमसे जुड़े हैं, पहले भी जुड़े थे लेकिन आवाज़ नहीं आई थी। हेलो, नमस्कार बेटा जी। जी सैयद साहब नमस्कार, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटे, आपकी कैसे, आप कैसी हैं, सही हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आपकी तरह एकदम मस्त। क्या बात है हमारे बेटे की। जी वाह भाई वाह। जी सैयद साहब, आज क्या है बेटे? आज हम आवाज लेकर आए हैं, आवाज हमारा उनवान है। सुन लो आवाज की भाई, एक ही मिसरा याद आ गया। जरा इस उम्र रफ्ता को आवाज तो देना। मिजाज कुछ अजीब होता है, आवाजें अजीब हसीन भी होती हैं और आवाजों में निखार भी होता है। मतलब जी सैयद साहब, कुल आवाजों में बहुत सारी बातें बेटे। सैयद साहब कुल मिला के मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आवाज़ें गुस्से वाली, मोहब्बत वाली, प्यार वाली, नाराजगी वाली, हर तरह की आवाज़ का एहसास हमें हो जाता है सामने वाले की आवाज़ सुन के। जो प्यार की आवाज होती है वो अलग ही उससे बोलती है। सही बात है सैयद साहब, और आपकी आवाज़ में बहुत प्यार है हमारे लिए, बहुत दुआएं हैं। हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। सही बात है सैयद साहब, और वक्त हो चला है आगे बढ़ने का प्रोग्राम की ओर। बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। ओके बेटे जी, सैयद साहब से पहले भी बात हुई थी लेकिन सैयद साहब जो है कहीं गुम हो गए थे कॉल लगाकर। दोस्तों बात आवाज़ की है तो अपनी एक छोटी सी कविता आपके सामने रखती हूँ। मैंने पहले भी कहा था ये जो कार्यक्रम है इसमें हम शायरी भी करते हैं, कविताएं भी होती हैं, गीत भी होते हैं, आपसे बात भी होती है, सब रंग होते हैं, इस एक गुलदस्ता है ये कार्यक्रम। तो आवाज़ के ऊपर अपनी एक छोटी सी कविता लेकर हाजिर हूँ कि जीवन की पगडंडी पर जब कांटे बहुत उग जाएं, जीवन की पगडंडी पर जब कांटे बहुत उग जाएं, कदम कदम पर जख्म सताएं, तो आवाज़ लगा लेना मुझे। अंधियारा मन को घेरे जब भूतकाल के भूत सताएं, मन व्याकुल हो अकुलाए, तो आवाज़ लगा लेना मुझे। जिस्मानी रिश्ते बदल जाएं जब रूह की भटकन बाज ना आए, बेताबी हद से बढ़ जाए जब, आवाज़ लगा लेना मुझे। दोहरे चेहरों से जब दुख जाए तेरा मन, भोली सी लड़की बहुत याद आए, तो आवाज़ लगा लेना मुझे। और चपल चलाक बातों से जब तेरा जी घबराए, हंसता चेहरा झुकी सी पलके सखी बहुत याद आए, तो आवाज़ लगा लेना मुझे। एहसास के टापू पर बैठी मैं, तुम्हें वर्तमान के कांटों से मुक्त कर, मन का संताप मिटा तुम्हारा, तेरी रूह की भटकन को ठहराव देने के लिए, अपनी भोली सी सूरत, हंसते चेहरे झुकी पलकों से, अपनी दोनों बाहें फैलाकर सखी तुम्हें बेकरार मिलेगी, बस आवाज़ लगा लेना मुझे, बस आवाज़ लगा लेना मुझे। तो दोस्तों मैंने आवाज़ लगा ली है। कभी कभी जी चाहता है कोई टॉपिक पर कोई कविता है तो वो भी पेश करूं, क्योंकि वो उनवान पर जो सटीक बैठे। विश्वास है मुझे कि ये जो आवाज़ है मेरी आप तक पहुंच गई होगी कविता के माध्यम से, और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर याद आता है कि छुप गए वो साजे हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। जी हाँ, आवाज़ ही तो रह जाती है इंसान के पास, क्योंकि आवाज़ें जब दब जाते हैं, वक्त के गर्द में आवाज़ें जब गुम हो जाती हैं, फिर भी वो आवाज़ें हमारे कानों में देर तक ज़िंदा रहती हैं, क्योंकि हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं वो, हमें उसकी आवाज़ भी याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे
अब भी पुकार रहे हों। आवाज़ का तो बहुत गहरा जादू होता है, किसी की आवाज़ किस कदर काबू कर लेती है दूसरे को, है ना। आवाज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं, आवाज़ें बहुत प्यारी रखिए। अगर आपके पास अच्छी आवाज़ है तो उसमें प्यार की मिठास डालिए, मिश्री से मिठास डालिए। दोस्तों मैं तो यही कहूँगी। और हमारे कॉलर पहले कॉल कर रहे थे फिर छोड़ गए थे, फिर से जुड़े हैं हमसे। हेलो। हेलो जी जनाब, कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ। कासिफ कलीम नाम आ रहा है स्क्रीन पे। जी हाँ बिल्कुल, मेरी वाइफ समटाइम कॉल करती है, आज मैं अपने सेल फोन से कॉल कर रहा हूँ। जी जी कासिम जी, आपका स्वागत है दिल के ओपन स्टेज में। और मुझे लगता है आपसे पहली बार बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, असल में पहले में जिस जो होस्ट थे उनसे कभी कभी बात हुई है। जी होती रहती है जी, लेकिन मुझसे पहले जी, मुझसे पहली बार आप जी। हाँ बिल्कुल, मेरी वाइफ की आपसे बात हुई है एक बार नासरा के लिए। अच्छा नासरा जी, ठीक है ठीक है जी जी। तो आप नासरा वो जो है वो फरमाइश थी वो कौन सी थी? आवाज ना दो जी जी मुझे नासरा जी की आवाज आ रही है पीछे से। मुझको आवाज ना दो इस राह में, मुझको तुम आवाज ना दो इस रात की तन्हाई में। अच्छा इस रात की तन्हाई में मुझको तुम आवाज ना दो जी। जी नासरा जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे गई नासरा जी? जी। और आप और कासिफ साहब आपके हम सफर लगते हैं जी। आप ये मसला ये है कि आपके मैसे प्रोग्राम देखते हैं लेकिन उसमें जो होस्ट करने वाले हैं वो अक्सर चेंज हो जाते हैं आप लोग जी, तो जी। उसमें ये देखना बहुत मुश्किल होता है ये कौन है ये। नहीं सर ये हम बात कर रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर चेहरे का अपना एक अलग वो रहता, हर चेहरा अलग होता है। लेकिन वो आपकी मैनेजमेंट ऐसी खुवातीन को ढूंढती है जिनकी शक्ल एक जैसी मिलती जुलती है। अच्छा ये बात है। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे हम दिल के ओपन स्टेज पे जो एंकर है सब एक जैसी शक्ल के हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसी में वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आप राखी जी की बात कर रहे हैं? राखी जी की बात कर रहे हैं जी हाँ, राखी शर्मा जसमीत है जी। जी हाँ बिल्कुल जी, तो हमारे फरमाइश का याद रखिएगा जी। जी वैसे जसमीत से तो चेहरा मेरा नहीं मिलता, लेकिन हाँ राखी जी से तो मिलता था मेरा। चलो जी जी, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हम आपकी फरमाइश का ध्यान रखेंगे, बेहद शुक्रिया। आवाज की बात है तो यही है कि याद आएगी तो याद आएगी तेरी तो तुझे आवाज़ ना दूंगा, तेरे लिए गज़ल शायरी सब कहूंगा। ऐसे भी हालात होते हैं कि याद आए तो मगर आवाज़ नहीं लगाता कोई, देखते हैं कैसे। दोस्तों अजीब बात है ना, इन खंडहरों की तरह हमारे जिस्म हो जाते हैं एक दिन जार जार, लेकिन हमारी आवाज़ें ही तो होती हैं। और ये जो खंडहर बता रहे हैं कि कभी ये इमारतें बुलंद थी, तो खूबसूरती भी ऐसे ही होती है, जवानी भी ऐसे ही होती है, लेकिन आवाज़ें हमेशा बरकरार रहती हैं। थोड़ी भारी हो जाती हैं, थोड़ी सी कर्कश हो जाती हैं ज़िंदगी की धूप छाँव में, रिश्तों को झेलते झेलते कई बार, लेकिन आवाज़ तो आवाज़ होती है, वही एहसास होता है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि आवाज़ देना चाहते हैं लेकिन आवाज़ देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते हैं, इस पर करते हैं बात। कल फिर आएंगे, इस वायदे के साथ जा रही हूँ कि कल भी आऊँगी, इसलिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और हाँ, किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अब अपनी सखी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।